नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर कुछ नया बना रहे हैं। यहाँ मैंने दो कपड़े लिए हैं जिनसे हम बनाएंगे सॉक्स। तो देखिए, हमने ये कपड़ा थोड़ा मोटा सा लिया है क्योंकि हम सर्दी के हिसाब से बना रहे हैं। तो आप पे भी अगर कोई मोटा कपड़ा है या स्वेटर वगैरह है, या जैसे बच्चों की कोई मोटी टी शर्ट वगैरह ख़राब हो जाती है, उनसे भी आप बना सकते हैं। तो हमने इसकी लंबाई ली है 10 सेंटीमीटर के करीब, और इसकी चौड़ाई भी हम 10 के हिसाब से ही ले रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही कपड़े को फोल्ड कर लीजिए पहले, और 10-10 के इंच के हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जैसा आपका पैर का नाप है, उस हिसाब से लंबाई चौड़ाई का भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा पैर के साइज़ का था तो मैंने उसी हिसाब से बनाया है, ये 10 इंच के हिसाब से। आप इसको बड़ा छोटा करके और अपनी लंबाई को देख के ही इसको काटें। अब चलिए हम इसको काट लेते हैं, और जो आप लंबाई लेंगे उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के रखें, इसका भी ध्यान रखें। तो फिर अब हमने इसको काट लिया है, ऐसे ही जो जैसे ये फोल्ड हो रखा है तो हम इसको भी खोल लेंगे, और हम इसके साथ ही दूसरे वाले कपड़े को भी काट लेंगे। अब हम इसको भी देखिए, इसको भी काट लेते हैं, इसको इसके ऊपर रख के। देखिए, इसके चारों साइड हमको इसी के हिसाब से निकालनी है। अगर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा होता है तो उसको निकाल लीजिए, मतलब हमको यही शेप चाहिए दोनों सॉक्स के लिए। अब ये हमारा ये कट चुका है। अच्छा, इसको बनाते हुए ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपके उसमें किसी डिज़ाइन है तो वो डिज़ाइन एक जैसा हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें 5 इंच का निशान लगाएंगे, जो साइड बंद है उस साइड से, मतलब जो साइड फोल्ड हो रखी है उस साइड से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। तो आप इंची टेप को या रख लीजिए और इसमें 5 इंच का निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पर हम 1 इंच का निशान और लगाएंगे। इस निशान को हम नीचे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी राउंड शेप देंगे, थोड़ा सा इसको गोलाई सी देनी है, फिर हम इस पे इसको काट लेंगे। आप इसमें गोलाई दे दीजिए। ये देखिए, हमारा इस तरह से ये कट चुका है, और अब हम इसके दूसरे वाले कपड़े को भी इस तरह से काट लेंगे। हमने डबल इसलिए करा है कि ठंड से बचाव हो सके, इसलिए हमने इसको मोटा सा बनाया है। अब इसमें भी हम वही 5 इंच का और 1 इंच का निशान लगा के इसमें राउंड शेप दे के इसको भी काट लेंगे। अब देखिए, हमारे दोनों पीस कट चुके हैं, इसको अप साइड कर देते हैं। अब मैं आपको ढंग से ये बताती हूँ कि ये जो हमने निशान लगाया वो किस तरह से लगाएं। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपनी इंची टेप को अपने पैर के नीचे रखिए, और आपका जितना नंबर आता है उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। यह आपकी हो गई लंबाई, ठीक है। और दूसरा, आप इंची टेप को इस तरह से घुमाइए, जो आपके पैर का सबसे मोटा हिस्सा है ऊपर की साइड, वहाँ तक जितना घुमाएंगे वो जितना आ रहा है उसमें फिर 1 इंच के करीब का आप प्लस कर लीजिए। साथ ही आप अपनी उंगलियों से लेके आपका जो पैर जहाँ से ऊपर को हो रहा है वहाँ तक का निशान देखेंगे तो वो आपका 5 इंच के करीब का आएगा। हो सकता है किसी का पैर बड़ा भी होता है, तो आप इस हिसाब से अपना नाप ले लीजिए। तो इतना नाप मैंने आपको बता दिया है। अब आप कोई सा भी कपड़ा लीजिए और उसको अरेप काट दीजिए। अरेप काटने के लिए हमको मतलब 4-5 पट्टियाँ चाहिए ऐसी, जिसे हम क्या करेंगे, पाइपिंग का काम करेंगे। और जैसे आप इसको किसी भी कलर का ले सकते हैं, और तो इस तरह से काट लीजिए, वो ढंग से लगती हैं। तो ये देखिए, हमारी पट्टियाँ कट चुकी हैं। अब इसको आपको सिलना कैसे है, जैसे इसका कोना है तो इसको किस तरह से रखना है, ये देखिए, इस तरह से। जब आप इसको ऐसे सिलेंगे तो ये बिल्कुल सही से इनकी शेप आएगी। ये आपको इस तरह से रखना होगा, देखिए। चलिए, हमारा इतना हो चुका है। अब चलिए इसको सिलना शुरू करते हैं। ये दोनों पीस को हमने रख लिया है, एक के ऊपर एक रख लीजिए। अगर कहीं से कोई कपड़ा एक्स्ट्रा होता है तो उसको हटा लीजिए। और ये जो हमने पट्टी ली थी, अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे, और हल्का सा इसमें
थोड़ा सा खिंचाव करके आप इसको सीलिए तो शेप अच्छी आती है। चलिए हम सील लेते हैं इसको इस तरह से। लीजिए हमारी पट्टी लग चुकी है, पिछली साइड से पूरी हो चुकी है। इसको ढंग से कैसे लगाना है, अब आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। अंदर की तरफ जब आप इसको फोल्ड कर लोगे और इसके ऊपर सिलाई लगाओगे तो ये देखिए एक पाइपिंग की तरह दिखाई देगी, जो कि आपके शूज़ को अच्छा लुक देगी और धागे बागे भी नहीं दिखेंगे। फिर ये देखिए हमारा इतना हो चुका है। अब ये जो इसके दोनों साइड हैं, अब हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। ये हम सिल चुके हैं और ये अब किस तरह से दिखेगा आपको मैं ये दिखाती हूँ। जैसे पहले मैं इसका धागा काट लूँ, फिर अब इसको आप जब पलटेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें कहीं से भी कोई सिलाई नहीं दिख रही है, दोनों साइड से सही दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे की गोलाई वगैरह देंगे और इसको आगे बनाते हैं। अब इसमें हम नीचे की साइड में गोलाई देंगे, वो इसलिए देंगे क्योंकि हमारी एड़ी का हिस्सा है वो, तो यहाँ पर आप हल्की सी गोलाई दे दीजिए ताकि वो जब आप इसको सिलें तो उसकी शेप नीचे से अच्छी आए। तो ये हम इसमें गोलाई दे चुके हैं, अब आप इसको हल्का सा ही काट लीजिए, ज़्यादा गोलाई देने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा हो चुका है, अब हम इसको फिर से सीधा कर लेंगे। अब हम जो पिंक साइड है वहाँ से सीधी सिलाई इधर से लगाएंगे और ग्रीन साइड से भी सीधी सिलाई इधर से लगाएंगे। ये देखिए हमारा दोनों साइड से हम इसको सिल चुके हैं। अब आपको ग्रीन वाली साइड को पलटना है, ग्रीन वाली साइड को जब आप पलटेंगे तो पिंक वाली साइड आपको अपने आप शेप में दिखाई देगी। अब ये देखिए पूरी सिलाई जो हमने सिला था वो अंदर की साइड आ चुका है। ऐसे सिलने से क्या हुआ कि जो दोनों जगह की सिलाई थी वो अंदर की साइड है, वो दिखेगी नहीं, तो ये काफ़ी ढंग से दिखाई देता है शूज़। अगर आप पीछे से वैसे ही मोड़ लोगे तो अंदर सिलाइयाँ दिखती रहती हैं। अब ये देखिए इसमें कोई सिलाई नहीं दिख रही है, अब हम ऊपर से पंजे का निशान बना लेंगे। उसके लिए आप फिर से इसको पलट लीजिए और अंदर की साइड अब इसमें हम पंजे का और अंगूठे का निशान लगा लेंगे चौक की सहायता से, और उस पर हम अपनी मशीन चला लेंगे, फिर हम किसी हम उसमें करेंगे कटाई। इस पे आप दो बार सिलाई लगा लीजिए ताकि ये मजबूती से बना रहे, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको आप कैंची की सहायता से काट लीजिए और जहाँ अंगूठी की शेप आई है वहाँ पर भी कट लगा लीजिए ताकि वो शेप सही से आ जाए। और आप इसको पलट लीजिए। अब पलटने के बाद मैं पहन के दिखाती हूँ कि इसकी शेप कितनी अच्छी आई है। ये देखिए हमने इसको पहन लिया है और आपके घर में पहनने के लिए कितने बढ़िया तैयार हो चुके हैं। तो इन सर्दियों में आप भी इनको बनाइए और मज़ा उठाइए।